हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में वापस लेके आए हैं तुम्हारे लिए एक और नया ऑडियो डिवाइस जिसका नाम है Realme Buds T330। तो खोलते हैं आज इसको और देखते हैं कि भाई इसके अंदर तुम्हें क्या माल मसाला मिलता है और वैल्यू फॉर मनी है भी के नहीं है। और 100% ट्रूथ रिव्यू देते हैं हम तुम्हें, ऐसे मालूम ही होगा, तो इसका भी वही देने की कोशिश करेंगे जितना हो सकता है। इसके अंदर के बारे में खोद के निकालेंगे और तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यार ये देखो, ये एक रहा कुछ ऐसा सा डब्बा है और गाइस ये रहा कुछ बर्ड्स का डब्बा। साइड में लिखा हुआ है Realme Link 360 स्पेशल ऑडियो इफेक्ट है इसके अंदर। 50ms की अल्ट्रा लो लेटेंसी इसके अंदर तुम्हें देखने को मिल जाती है। अगर तुम गेमिंग इसको पहन के करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, क्योंकि 50ms की लो लेटेंसी मिलती है। बट मैं कहता हूँ वो भी थोड़ी गेमिंग के लिए ज़्यादा होती है, तो नॉर्मल ठीक ठाक गेमिंग तुम कर सकते हो। ब्लूटूथ 8.5.3 इसके अंदर तुम्हें कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। ब्लूटूथ 5.3 इसके अंदर तुम्हें देखने को मिल जाता है, जो कि जल्दी कनेक्टिविटी करता है तुम्हारे फ़ोन से इसकी। तो तुम खोलोगे और ये कनेक्ट हो जाएगा, पर वैसे नहीं जैसे वो होती थी। रियलमी की ब्रांडिंग है ही साइड में, इधर वाली साइड देखें तो साइड तुम्हें रियलमी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। 12.4mm के ड्राइवर तुम्हें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। 30dB की एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन तुम्हें इसके अंदर देखने को मिलती है, जो इसीलिए मैंने इसको खरीदा है। नॉर्मली इस प्राइस रेंज पे ना तुम्हें ANC देखने को नहीं मिलता है। ENC तो मिल जाता है बट ANC नहीं मिलता है। तो इसके अंदर 30dB का ANC है, चेक करेंगे, काम का भी है, फिर लिख के छाप दिया है बस। 40 hours का प्लेबैक तुम्हें इसके अंदर देखने को मिलता है, पता नहीं चलेगा कि नहीं। और पीछे वाली साइड देखें तो भाई पीछे मतलब आगे तो वही बना हुआ है। देखो ये आगे तो रियलमी का बर्ड ही बना हुआ है, ये T300 लिखा हुआ है, ये आगे बर्ड का फोटो बना हुआ है। मैंने ब्लैक कलर मंगाया क्योंकि यार बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार ये। केस के साथ 40 घंटे चलती है। बर्ड्स की तो नॉर्मली अगर इनने लिख रखा है 7 घंटे, बट पकड़ लो भाई तुम तो वो इनने 7 घंटे इसलिए रखा है, तुम 50 इसकी वॉल्यूम पर चलाओ और ऐसे करके सच झंझट करके चलाओ तो 7 घंटे चलेगी। बेटर नॉर्मल एन एवरेज 5 घंटे इसकी बैटरी चल जाती है एक बर्ड की। और अगर तुम केस के साथ करते हो तो नॉर्मली चल जाती है 35 आवर्स तक। तो बाकी यही है इसके डब्बे में, और कुछ है नहीं। अगर तुम्हें अपने इसे फ़ोन से लिंक करना है ताकि तुम इसके अपडेट वडेट सब कर सको और सारी मतलब इसे अपडेट दे सको और सारी इसमें जो डिवाइस में जितने भी फंक्शंस हैं वो तुम्हें सारे ऐप में दिखेंगे, तो तुम इसका नीचे इस QR कोड दे रखा है, इस QR कोड को स्कैन करके इसका ऐप डाउनलोड करो। Realme Link ऐप का नाम है, तुम डायरेक्टली प्ले स्टोर से कर सकते हो डाउनलोड और वहाँ इसे कनेक्ट करके तुम इससे अपडेट वपडेट सब सारी चीज़ उस ऐप के अंदर देख सकते हो। पीछे Realme Buds लिखा हुआ है, T300 ईयरफोन, मॉडल नंबर लिखा हुआ है, प्राइस लिखी हुई है 4000 नहीं है उसने का। बॉक्स कंटेंट लिखा हुआ है, बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है, बट हमें इससे कुछ भी लेना देना नहीं है यार, हमें इसे सीधा काटना है। और काट के देखते हैं कि इसके अंदर हमें और क्या ही चीज़ देखने को मिलती है। तो खोलते हैं भाई, खुल गया है, बाहर आ जा मेरे भाई। ओ तो ये रहे अपने बर्ड्स, देखो ये रहे, तो ये हैं बर्ड्स इस साथ में। तो ये रहे गाइस बर्ड्स कुछ ऐसे से पैक होके आए हैं, इसे रखते हैं थोड़ी देर साइड में, हमें नहीं जानना है। तुम थोड़ी इसलिए आए हो, तुम तो बर्ड्स देखने आए हो। तो भाई खोलते हैं इस बर्ड्स को पटाख से और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलता है। ओ तो ये रहे हमारे बर्ड्स, इनके ऊपर खैर बाद में आएंगे, इन्हें साइड में रखते हैं, देखते हैं बर्ड डब्बे में क्या मान मसाला है। की तरफ एक ईयर टिप्स तुम्हें देखने को मिल जाते हैं। ईयर टिप्स अगर तुम्हें ज़रूरत लगे तो इसे कान में लगा लेना, अगर तुम्हारी छेद का साइज़ हो ज़्यादा कम ज़्यादा हो तो ईयर का तो इसे तुम यूज़ कर सकते हो। बाकी एक केबल देखने को मिलती है, जो मुझे भी नहीं मालूम क्यों देते हैं भाई, इतनी छोटी केबल देके अपने ऊपर उपकार करते हैं, कौन करता है यार इनसे चार्ज यार, फिर भी दी है तो रख ही लेते हैं, फ्री की चीज़ कौन छोड़ता है। उसके बाद ये तुम्हें एक यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाती है, अगेन किसी काम की नहीं है, कोई नहीं पढ़ता भाई, कोई भी नहीं, कोई इतना वो नहीं है कि भाई आज के ज़माने में इसे चलन मैं जानता हूँ, और कुछ नहीं है। और सबसे ग्रॉस बात जो मुझे इसकी लगी अभी तक
भाई बहुत ख़राब अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है यार, कुछ तो दे देते हैं यार, कुछ तो दे दिखाने को, वीडियो इतनी जल्दी ख़त्म हो रही है। तो सबको साइड में रखते हैं, आते हैं हमारे बड्स के ऊपर। ये रहे हमारे बड्स, मेरे फैन पकड़ने खोल लेते हैं अपन। इम्प्रेसिव यार, रियली बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। ये देखो कितना अच्छा औसम लुक दिख रहा है तुम्हें। तो भाई तुम सिनेमेट देख लिया होगा अब तक, सिनेमेट भी तुमने देखा होगा, कितने ज़्यादा सिनेमेट में भी अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि लिटरली में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं यार ये। देखो ये रहे बड्स, बहुत ज़्यादा हल्के हैं, एक दो दो ही आते हैं नॉर्मली, दो खाने हैं, चार खाने हैं हमारे। तो ये बड्स हैं, आगे रियलमी की इसके ऊपर ब्रांडिंग है, पीछे आगे पीछे और कुछ नहीं है। और इसमें एक और बात है, कोई बटन नहीं है कोई, जिससे तुम इसे रीसेट कर सको। रीसेट करने के लिए तुम्हें इन बड्स को ना 10 सेकंड तक दोनों को प्रेस करके रखना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक मोड में आ जाएंगे। इसके अंदर इनमें डिब्बी में कोई बटन नहीं दे रहा है, अगेन पैसा बचाया हुआ है। इसके अंदर यूएसबी टाइप सी तुम्हें चार्जिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ पे एक इंडिकेटर देखने को मिल जाता है जो कि हरा हो जाए अगर ये कनेक्ट रहते हैं, और जो वाइट हो जाता है जब ये पेयरिंग मोड में आते हैं। तो एक और बात अच्छी लगी कि भाई इसका जो केस है ना भाई, देखो कितना छोटा है भाई, मेरी मुट्ठी में आ चुका है भाई, इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट है कि तुम अपनी इसी पॉकेट में भी लेके घूमोगे ना तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो डिज़ाइन वाइज, वज़न वाइज और लुक्स अभी तक तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। देखते हैं साउंड क्वालिटी कैसी है इसकी, मैं दो तीन गाने चला के देखता हूँ इसके अंदर की ANC भी ट्राई करते हैं कैसा है। तो सबसे पहले गाने से स्टार्ट करते हैं अपन। ये मेरा फ़ोन है, कनेक्ट मैंने पहले कर लिए थे यार, पहले से खुला हुआ है। तो गाना मैंने इसमें चला लिया है, गाने की आवाज़ ठीक ठाक आ रही है, बट जो मुझे इसमें हल्का सा थोड़ा कमी लग रही है वो लग रही है इसके बेस में। बेस उतना ज़्यादा इसका अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मतलब ठीक ठाक है, नॉर्मली है, बट थोड़ा और अच्छा हो सकता था, और मुझे लगता है या शायद अपडेट में इसे ठीक भी कर देंगे। इसके ANC की बात कर लें तो काफ़ी हद तक देखो 30 dB का ANC है, मैं नहीं बोलूँगा कि अगेन बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट 30 dB और प्राइस रेंज के हिसाब से देखें तो ठीक ठाक ANC है। आसपास में मेरे तुम्हें आ रही होगी कि तो माइक में सुर सुर करके एक वॉइस आ रही होगी, वो मुझे सुनाई नहीं दे रही है, और आसपास की वॉइस भी सुनाई नहीं दे रही है, इवन मेरी खुद की वॉइस थोड़ी कम हो चुकी है। तो ANC भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। ट्रांसपेरेंट मोड भी अगेन सेम अच्छा है, क्योंकि मेरी आवाज़ रिकॉर्ड करके मुझे सुनाएगा। तो अगर तुम ड्राइविंग करते रहते हो तो ट्रांसपेरेंसी मोड लगा लो, ताकि भाई तुम्हें आगे पीछे की हॉर्न की आवाज़ भी सुनाई दे। तो ठीक ठाक है, ANC भी ठीक ठाक है, और वो भी ठीक ठाक है, आवाज़ भी ठीक ठाक आई रही है। और बाकी लुक वाइज तो मैंने तुम्हें बताया ही सही यार, बहुत ज़्यादा हल्का है, और बड्स भी इसके बहुत ही ज़्यादा हल्के हैं। मैंने यार इन्हें पहन के दौड़ा कूदा भागा, बहुत कुछ करा है, बता नहीं सकते, तो फिर भी ये गिरे नहीं है। और मतलब देखो ना यार तुम, ये देखो, और कहाँ करूँ, क्या भूकंप ले आऊँ भाई, नहीं गिर रहे यार मेरे कान में, बहुत ज़्यादा फिट अच्छे से आ रहे हैं। अगर तुम्हारे में नहीं आए तो तुम इसके ईयर टिप्स जो इसने दे रखे हैं वो ईयर टिप्स चेंज कर सकते हो अपने छेद के हिसाब से, मतलब कान के छेद के हिसाब से, तो कर सकते हो चेंज, भाई मैं कुछ भी बोल जाता हूँ, तो तुम ईयर टिप्स चेंज कर सकते हो। बाकी उसके हिसाब से प्राइस रेंज के हिसाब से अच्छा है। एक और ड्रॉबैक मुझे लगा इसका, वो है कि भाई जैसे कि मैंने इसे कान में पहन लिए हैं, तो जो महंगे वाले ईयरफोन आते हैं उनमें कान में से हेडनेप ना बंद हो जाता है, तो इसमें मुझे फीचर नहीं मिला है। हालांकि इनको प्राइस रेंज जो इन्होंने रखा है उस हिसाब से देने चाहिए थे, इसमें अंदर ऑटो प्ले पॉज नहीं है, इनको देना चाहिए था बट इन्होंने नहीं दिया, तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी इसमें अंदर कमी लगी है। बाकी लुक वाइज, वेट वाइज, सब वाइज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बस यही है कि ऑटो प्ले पॉज वो देते हैं तो और ज़्यादा अच्छे ईयरफोन ये बन जाते हैं इस प्राइस रेंज के साथ, और लिटरली फिर लोग इसे खरीदते, क्योंकि बिकॉज ऑटो प्ले पॉज आ जाता है यार नॉर्मली इस प्राइस रेंज में, तो आ जाता है, इन्होंने पता नहीं क्यों नहीं दिया है। यार अभी थोड़े दिन बाद ना एक और बड लेके आएंगे, एक और बड की अनबॉक्सिंग की वीडियो लेके आएंगे, जिसमें इससे दुगने सस्ते बड दिखाएंगे, और जिसमें ANC भी रहेगा, उसमें ऑटो प्ले पॉज भी रहेगा, उसमें गेस्चर कंट्रोल रहेंगे, जैसे तुम वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हो, तो फिर ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये कंपनी वाले हैं, वो कंपनी वाले नहीं रहेंगे, लोकल रहेंगे कोई से, बट अच्छे रहेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो उस वीडियो के लिए भी, और लाइक कर जाना इस वीडियो को लिए। इसमें सिर्फ इतना ही था, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, क्योंकि मेहनत लगती है इनको बनाने में, पैसे में आते हैं, वीडियो पे भी नहीं आते तो पैसे नहीं आते हैं। तो वीडियो को लाइक कर जाओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी ऐसी मज़ेदार वीडियो देख पाएँ। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।